सवाल ये, इस सवाल पहले हम लोग ये सवाल किए थे ना, उसके पहले हम लोग ये सवाल किए थे। पहले ये सवाल था, फिर ये सवाल था, फिर ये सवाल है, या कुछ शो करना है फटाफट सारे लोग। आज हो जाएगा हम तो करें, आप बोल दो, सच बोल दो कि नहीं हुआ। सच का सामना करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। उठे उठे बच्चों, देखते हैं। LHS बहुत सुंदर बात क्या मालूम है, देख भैया, cos 2 थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा थीटा यहाँ डबल कर दो, यहाँ थीटा डबल हो जाएगा, तो cos 4 थीटा क्या होगा, 2 cos square 2 theta minus 1, 8 कर दो, तो cos 8 क्या होगा, 2 cos square 4 theta minus 1, बोलो आहा हा हा हा, उठा के यहाँ रखते क्या नहीं, जमा जम रखो, क्या पाओगे, रूट में 2 प्लस, रूट में 2 प्लस, रूट में 2 प्लस 2 टाइम, cos 8 theta बोले तो, 2 cos square 4 theta minus 1, बोलो आ गया, बोल दो आ गया, क्या आपका आएगा, रूट में 2 प्लस, रूट में 2 प्लस, रूट में 2 टू या 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, और 2 तो है ही है, 2 वन जाए 2, एक तो प्लस 2 एक माइनस 2 है, इसको ये खाएगा, रूट के बाहर 2 cos 4 थीटा आएगा, बोलो अरे वाह, ठीक, 2 प्लस रूट में 2 प्लस, बहुत प्रेम से देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 cos 4 थीटा, cos 4 थीटा ये होता है, उठा के ऐसे डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये रूट में 2 प्लस, रूट में 2 प्लस 2 टाइम्स cos 4 थीटा बोले तो, ये वाला, ये गंदा वाला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अपना थोड़ा रंग बदल लेते हैं, रंग बदल लेते हैं, ठीक है, देखो जगह रूट में, देखो 2 टू या 4 फिर से वही वाला खेल होगा, 2 प्लस रूट में आ पाएगा, 2 टू या 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, और 2 माइनस 2 और प्लस 2 फिर से गायब हो जाएगा, हाँ बोल दो, हाँ हो जाएगा, हाँ एक बार बोल दो, प्रेम हो जाएगा, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जगह की कमी होने के कारण, जगह की कमी होने के कारण हम लोग यहाँ करेंगे, फिर तो क्या होगा, रूट से 4 और cos स्क्वायर बाहर आएगा, क्या बन जाएगा आपका, 2 प्लस 2 cos 2 θ
थीटा अभी रूट है करना नहीं, देखो फाइनली आखिर में क्या हो जाएगा ये 2 + 2 cos θ मतलब 2 cos θ - 1 और 2 cos θ - 1। अब बहुत प्रेम हो गया, क्या बन गया 2 × 4 cos²θ, रूट के बाहर आएगा क्या आएगा 2 cos θ। यही हमको प्रूव करना था, दिस इज योर RHS, दिस इज योर RHS, सो दिस काइंड ऑफ हलवा सवाल इज हियर। फटाफट खा लो, तो गरम गरम खा लो। हम जो कहते हैं सवाल और दही था, हैं हाँ, एक सवाल और दही फटाफट इसको स्क्रीन शॉट दे दो। अच्छा आप लोग फटाफट काम करो, हम समझ देते हैं सारा। हाँ 25 सेकंड ले लो, 25 सेकंड लिखो। तो लिख लियोगे आप लोग, हैं चलिए अगला स्क्रीन आ गया और ये स्क्रीन रहा, ये आपके सामने जादू देखो। आओ ग्रीन बोर्ड ले लेते हैं, तो एक ताजा ताजा सवाल दे रहा हूँ, करिएगा सारे बच्चे, करिएगा अब जो करिएगा आग बंद करिएगा, ठीक है ऐसे आग बंद कर लेंगे करेंगे फिर मन क्या खोज करो मोदी जी की तरफ। हाँ मन की बात से देश का भला हो रहा है, वैसे ही मन की आंखों से क्वेश्चन करते हो भला होता है कि नहीं। तो sec 8θ / sec 4θ - 1 बराबर सिद्ध करिए tan 8θ / tan 2θ, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। हाँ प्रूव है, प्रूव आपको प्रूव करना है, पहले प्रूफ बताओ आपको सिद्ध करना है कि ऐसा होता है। देखो कर पा रहे हो, कोशिश करो, देखो कर पा रहे हो।
कर पाए ये भाई, हुआ क्या बच्चों, हुआ क्या? हम करते हैं तो दर्द दिलों के कम हो जाते हैं शेख अगर कॉस हो जाते है कि नहीं, ये काम का नहीं करते, कोई लेते क्यों नहीं, शेख को कॉस ले, शेख को दो वन अपॉन कॉस एट थीटा माइनस वन अपॉन इसको लिख दो वन अपॉन कॉस फोर थीटा माइनस वन, बोलो हाँ हाँ हाँ। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, उसके यहाँ मल्टीप्लाई करो, उसको खेल खेलो यार, खेल खेलो, आएगा वन माइनस कॉस एट थीटा और ये वाला बन जाएगा वन माइनस कॉस फोर थीटा, उसी लगे हाथ कॉस एट थीटा अपॉन में आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई बाद ऊपर जाएगा कॉस फोर थीटा ऊपर बन जाएगा, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है। अच्छा कॉस एट थीटा लिख दो वन माइनस टू साइन स्क्वायर फोर थीटा है ना, टू टाइम्स फोर थीटा है कॉस टू थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस फोर एट है ही हो गया, हो गया बेटा बहुत बढ़िया, कॉस फोर थीटा है ही अपॉन हो जाएगा आपका, ऐसे यहाँ भी कर दो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स यहाँ कितना है टू टाइम्स टू थीटा था, यहाँ पर टू थीटा आ जाएगा और यहाँ आपका ऐसा हो जाएगा, बहुत अगर प्रेम देखोगे तो वन से वन कट जाएगा, वहाँ माइनस माइनस हो गया और इस टू से फिर ये टू हो जाएगा, वन से वन यहाँ भी कट जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा और टू से टू कट जाएगा, यहाँ आएगा आपका साइन स्क्वायर फोर थीटा, कॉस फोर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर टू थीटा कॉस एट थीटा, ठीक है सही कहेगा, इसको ऐसे लिख दो साइन फोर थीटा इंटू साइन फोर थीटा दो वाली को और कॉस फोर थीटा है ये, अब कौन क्या जाएगा भैया कौन आएगा साइन स्क्वायर टू थीटा और कॉस एट थीटा, जवाब दो टू से यहाँ मल्टीप्लाई करने का ऐसे क्या होगा ये बन जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन एट थीटा बन जाएगा, साइन फोर थीटा क्या बन जाएगा साइन एट थीटा बन जाएगा, और एक काम करो साइन फोर थीटा साइन टू एक्स क्या होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसको टू इंटू टू थीटा बोल दो क्या बन जाएगा आपका टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा है ना, साइन फोर थीटा फॉर्मूला हो जाएगा भाई, साइन टू एक्स क्या होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ एक्स कितना है यहाँ एक्स कितना है टू थीटा ले लो टू इंटू टू एक्स टू थीटा एक्स टू थीटा हो जाएगा तो टू साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, और यहाँ क्या है आपका ये टू साइन एक्स कॉस एक्स है तो साइन टू एक्स बन जाएगा तो साइन एट थीटा अपॉन क्या है टू साइन स्क्वायर टू थीटा और कॉस एट थीटा, फ्रेम देखो टू टू कट जाएगा साइन टू थीटा से साइन टू थीटा कट जाएगा, ये क्या है कॉस टू थीटा अपॉन लेते हो उसको ये अपॉन लेते हो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया टेन एट थीटा, और भैया साइन टू और अपॉन जो कॉस आएगा दे बन जाएगा क्या टेन टू थीटा, यही प्रूव करना था आरएचएस सही है देख लो, हाँ एक बार आराम से देख लो छाप लो,
चलिए नए पेज की शुरुआत करता हूँ, नया पेज लाता हूँ, ये आ गया आपका नया पेज, वो एक दो तीन जादू। अब आया ये आपका फिर से एक नया सवाल आपके लिए आने वाला है, ताजा ताजा सवाल, पढ़ाई आसान सा है, उम्मीद है सब कोई कर लेगा। हाँ तो सवाल कुछ ऐसा है कि शो दैट, सब कोई शोइए कि रोट थ्री कोसेक 20 डिग्री बराबर बराबर हटाओ माइनस सेक 20 डिग्री बराबर 4। ये शो करिए फटाफट, एक डेढ़ मिनट ले लो, डेढ़ मिनट में आपको सॉल्व करना है और आपका समय शुरू होता है अब। आइए मैं करता हूँ, तो फिर आप देखो कोसेक सेक कॉट इसे हमको गंदा लगता है यार, हमको ना साइन कॉस टैन अच्छा लगता है, हम कह रहे हैं तुमको भी इसे अच्छा लगता होगा, तो कोसेक और सेक को आप पहले साइन में कन्वर्ट कर लो, ये आपका रूट थ्री अपॉन साइन 20 बोलो आ रहा है माइनस 1 अपॉन कॉस 20 LHS लेके चल रहा हूँ, ये इधर आएगा इधर आएगा, या कोई जगह रूट थ्री कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री 180 और अपॉन कितना आएगा साइन 20 कॉस 20। एक काम करो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3/2 कॉस 20 और यहाँ 1/2 साइन 20, डिनोमिनेटर में हो गया और डिनोमिनेटर में करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो साइन 20 और 20 और 2 से फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये वाला बैलेंस है नीचे वाला, तो बहुत अच्छे से वाला देखोगे 2/4 बन जाएगा और रूट सिवाय इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बन जाएगा, साइन में कन्वर्ट कर दो रूट सिवाय 2 लिख दो साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री कॉस 20 माइनस इसको दो कॉस 60 डिग्री अपॉन में क्या आएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा मतलब कॉस साइन 40 डिग्री कितना देगा साइन 40 डिग्री। अच्छा सॉल्व करना है हमको, तो आपका आएगा 4 देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी और अपॉन कितना आ गया साइन 40 ये भी साइन 40 है इससे कट जाएगा आपका आंसर कितना आएगा 4 आएगा और तो 4 इज द राइट आंसर 4 इज द राइट आंसर 4 इज द राइट आंसर 4 इज द राइट आंसर। आपको जो मैं डीपी दिया हूँ आज ग्रुप में वो लगाइएगा ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम पे बेस्ड है,
ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम बेस्ड है, और कल कल मैं क्या करूंगा आपको मल्टीपल और सब मल्टीपल वाले जो एंगल्स पे जो क्वेश्चन होंगे ऐसे सवाल हम लोग दे देंगे, उसका हम लोग को भी रेंज पढ़ना है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि हम लोग पढ़ने हैं अभी, मतलब वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर अभी में ज्यादा समझ में आएगा, हर दिन ट्रिग्नोमेट्री जो है ज्यादा समझ में आएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी है, कुछ दिन इसके साथ बिता लो तो ये फिर अच्छा लगने लगता है। तो खैर हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या बेटा सेकंड स्टेप ये वाला कैसे हुआ? यस सर। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ भेज दिया फ्रैक्शन का एडिशन बेटा कैसे करना है? ये वाला हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई आउट कर दिया, ये √3/2 × 2 हो गया, 1/2 × 2 हो गया, 2 कॉमन कर लिया जैसा बन गया, और नीचे भी क्या कर दिया मैंने, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका ऐसा बन गया, ऊपर आपका ऐसा बन गया, बैलेंस करने के लिए समझो। हाँ आप देखो ना, इस 2 से 2 कट जाएगा और इस वाले 2 से दोनों 2 कट जाएंगे, अगर वापस से ये बन जाएगा ना, मैं वही कह रहा था। उसका हमने खेल खेल दिया, छाप लो उसको, छाप लो फटाफट छापो, हो जाए बताना। आप लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री किताब लगाइए, कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, और जो बुकलेट है स्लेट प्लस पे वो एक्सेस करिए, उसको लगाइए, उसमें सवाल भी दिए हैं ढेर सारे, बेसिक सवाल भी दिए हैं ढेर सारे, उसको लगाइए और फिर दिक्कत हो तो हमारे पास ले आइए, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। हाँ आज की सभा ही समाप्त करना चाहता हूँ मैं, आप लोग बोलना चाहता हूँ हैंड हैव अ नाइट डे, ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो हमको आप पूछ सकते हैं हमसे, अगली क्लास में मिलेंगे। ये लिख लीजिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।